हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग जो है ये मैंने आपको दिखाई थी, अभी यहाँ पे मैंने आपको ये कटिंग जो है, इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग जो है कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। अब यहाँ पे हमें इसकी स्टिचिंग देखनी है। तो यहाँ पे जैसे एक एक पार्ट की मैंने जैसे कटिंग दिखाई है, वैसे मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाऊंगी कि जो नए नए सिलने वाले होते हैं उनको ये परफेक्ट स्टिचिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जैसे लंबाई ली, लंबाई में हमने एक इंच प्लस किया था। यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 लिया प्लस 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए। अब टक्स पॉइंट के लिए हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है, 1.5 इंच लिया है टक्स के लिए। अभी यहाँ से यहाँ तक जैसे शोल्डर जो है, शोल्डर का हमने सेंटर निकाला था, सेंटर पे एक मार्किंग किया था, मार्किंग पे यहाँ से यहाँ तक हमने 4.5 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 4.5 इंच लिया है, इस साइड में 1 इंच और इस साइड में 1 इंच ऐसे लिया था। तो ये हमने मेन टक्स लगाया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच लिया है और यहाँ पर हमने ये तिरछी टक्स लगाया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच लिया है, ये आर्मोल में हमने ये टक्स लगाया है। और यहाँ से यहाँ तक हमने ये 2 इंच लिया है और यहाँ पे हमने हुक और आई की पट्टी में ये टक्स लगाए हैं। अब यहाँ पे हमें पहले हम इसके टक्स लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर जो है, सेंटर पे जैसे 1-1 इंच का हमने दोनों साइड में लिया था, मेन टक्स पहले लगाते हैं ताकि ये दूसरे टक्स जो है वो भी ठीक से लगते हैं और अच्छे भी मतलब आते हैं। तो ये मेन टक्स आपका परफेक्ट आएगा, तो ये तीनों टक्स भी आपके परफेक्ट आएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये टक्स लगाए हैं। जैसे ये मेन टक्स जो है ये हमने 1-1 इंच का दोनों साइड से लिया है, लेकिन ये बड़ा टक्स होता है, लेकिन ये जो है ये हमारे 1/4 इंच के टक्स रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 1/4 इंच के टक्स रहते हैं। अभी यहाँ पे हमें ये आर्मोल में जो है ये भी हमारा 1/4 इंच का ही टक्स रहता है। ये टक्स भी हमारा ये 1/4 इंच का ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमें हुक और आई की जो पट्टी है, यहाँ पे हम 4th टक्स जो है वो लगाते हैं, ये भी हमारा 1/4 इंच का ही होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये जो टक्स है, टक्स पॉइंट हमारे इस तरह से आते हैं। ये 4 टक्स हैं हमारे। अब दूसरा जो पार्ट है इसके भी टक्स हमें इसी तरह से डालने हैं। अब दूसरे साइड में भी हमें ये जो मेन टक्स हैं, पहले ये मेन टक्स लगाते हैं। इस तरह से ये जो मेन टक्स है वो लगाए हैं। अब यहाँ पे हुक और आई के साइड का जो टक्स है वो लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों टक्स लगाए हैं। अब तीसरा जो है आर्मोल में, उसको भी लगाते हैं। ये भी हमारा 1/4 इंच का ही टक्स आता है।
ये देखिए यहाँ पे भी हमारा फोर टक्स जो है ये भी हमारा क्वार्टर इंच का ही आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये फोर टक्स जो है वो भी लगाए हैं। ये तीनों टक्स जो होते हैं ये हमारे क्वार्टर क्वार्टर इंच के होते हैं, और मेन टक्स जो होता है वो हमारा जैसे एक साइड एक इंच इस साइड से और एक इंच इस साइड से लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो फोर टक्स है कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह से आप जैसे जब भी हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो आप ठीक से टक्स नहीं लगाते तो ये जो ब्लाउज जो हम कटिंग करते हैं तो उसकी फिटिंग या फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने ये टक्स कितना लेना है और कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।